नमस्कार, आगे बढ़ते हैं श्लोक 3 और 4। मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न और हम भावार्थ रत्नाकर की बात कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। पाठ को क्रम से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा ज्योतिष को समझ पाना। और हम हमेशा कहते हैं कि भावार्थ रत्नाकर को प्रत्येक ज्योतिषियों को जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मिथुन लग्न की प्रतीका है। अगर हम इसी तरह से जैसे कि मेष लग्न, वृष लग्न के विषय में पढ़ चुके हैं, अब मिथुन लग्न पे पहुँचे हैं, अगर 12 लग्नों में संशय जो हमारे मन में उत्पन्न हो, अगर वही उसका समाधान हो जाए तो फल कथन कहना कितना सरल हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग साधारण स्थिति में यही कह देते हैं कि लग्नेश बुध है, इसके लिए तो चंद्रमा अच्छा नहीं, मंगल अच्छा नहीं, गुरु अच्छा नहीं, तो फल कैसे अच्छा प्राप्त होगा। क्या हम सच हैं? क्या तात्कालिक रूप से मंगल यहाँ अशुभ का स्वामी हो जाने के कारण अशुभ फल के ही दाता होंगे? इसी को समझना है। और समझना किस संदर्भ में है ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले श्लोकों को पढ़ा जाए और फिर समझा जाए। कहते हैं मिथुन जायमानस्य धना सुनुर धने स्थितः, क्षमा चाहेंगे, धरा सुनुर धने स्थितः, कि मिथुन लग्न की पत्रिका हो। और धरा सुनुर धने का मतलब है कि मंगल की बात हो रही है। मंगल कहाँ स्थिति हो? धन स्थान में स्थित हो। आगे क्या कहता है, शनि चंद्रावष्टमस्थो शनिर्दाये समागमे। अब यहां कहता है कि शनि और चंद्रमा अष्टम में स्थित हो और दोनों एक ही साथ है, युति कर रहा है। आगे कहता है शनिस्थु मिश्र फलदह कुजदाये समागमे, कि जो शनि है वो मिश्र फल करेगा, मिश्रित फल करेगा। धन योगो भवत्येव जातकस्य न संशयः। अब धन योगो भवत्येव जातकस्य न संशयः, यहां कहता है शनिस्तु मिश्र फलदः कुजदाये, तो शनि तो मिश्र फल देगा लेकिन फल कौन करेगा? मंगल करेगा। और कैसा फल करेगा? कि धन का फल करेगा, योग प्रद धन देगा अपनी दशा अंतर दशा में। तो यही समझना है हम लोगों को। अब 3 ग्रहों की बात हो रही है। हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले मंगल, उसके बाद चंद्रमा और उसके बाद शनि की बात हो रही है। और उसमें कहता है कि शनि सबसे अच्छा फल करेगा, धन का फल करेगा, क्षमा जाएंगे, मंगल धन का फल करेगा, शनि से मिश्र फल का उम्मीद रखे। और चंद्रमा को तो सिर्फ यहाँ युति के लिए बताया गया है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। अब मंगल धन योग बनाएगा। अब देखिए कि लोग क्या कहेंगे, मंगल कर्क राशि का स्थित है धन स्थान में, हो गया समाप्त यहीं पे कहानी। अब कर्क राशि का नीच का स्थित है, सबसे पहले उनको यही नीच का दिखेंगे, इसके अलावा फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, इसके बाद उपाय ही दिखेगा। अब यहां देखिए कि मंगल, हम पिछले पाठ में भी बताए थे, यहां भी बता रहे हैं कि 6ठे और 11वें लाभ, ये बढ़ोतरी का स्थान है। और इस स्थान के स्वामी जहां भी जाते हैं उस स्थान का बरकत करते हैं। भूल जाइए कि यहां मंगल नीच के हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, धन स्थान को बढ़ाएंगे। और मंगल ताकत के साथ काम करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और इस स्थान से 1, 2, 3, 4 और इस स्थान से 9वां है, ये भी हम लोगों को पता है। अब ये मंगल की को तो हमने परिभाषित कर दिया, जबकि बुध
मंगल को अपना शत्रु और मंगल भी बुध को अपना शत्रु मानता है। अब आगे बढ़िए, कहते हैं कि चंद्रमा, अब देखिए विचित्रता क्या है कि हमने भी पढ़ाया आपको कि यदि जिस स्थान को उसका स्वामी देखे उस स्थान से संबंधित फल अच्छा कहना चाहिए। तो यहां चंद्रमा की दृष्टि मंगल और किस पे है, धन स्थान के ऊपर। अतः चंद्रमा और मंगल में शत्रुता नहीं है, लेकिन पंचधा मैत्री लगा लें तो यहां मित्र और शत्रु बराबर, अर्थात आप समझ ही सकते हैं कि मिश्रित फल ही मिश्र ही बता रहा है, यहां अति शत्रु नहीं हो रहा, शत्रु नहीं हो रहा। अब आगे बढ़िए, अब चंद्रमा जब अपने घर को देख रहा है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस घर से संबंधित फल अच्छा होगा, ये भी हम लोगों के समझ में आया है। अब चंद्रमा शनि से पीड़ित है, हम हमेशा कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं पता नहीं, शनि यहां पीड़ित, क्षमा चाहेंगे, चंद्रमा पीड़ित शनि से, चंद्रमा आठवें स्थान में स्थित है, लेकिन वो अपने दृष्टि से इस स्थान के फल को अच्छा करने का वचन देते हैं, ये मानिए आप। अब आ जाते हैं शनि की बात कर लेते, तो शनि कमजोर कहां, स्वराशि का शनि है। अब आपके मन में भ्रम आएगा कि स्वराशि का शनि है और ये क्या नाम कहते हैं धन स्थान के स्वामी के साथ स्थित है और शनि भाग्येश भी है, तो धनेश और भाग्येश की युति कहां हो गई, आठवें स्थान में समाप्त हो गया। अब तो फिर इन दोनों का प्रभाव तो हमको खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से युत होने के बावजूद अष्टम स्थान में स्थित हो गए, जिसके कारण ये बहुत अच्छा धन योग प्रदान करेंगे ये संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि फिर मंगल को क्यों कह रहे हैं, तो हमने पहले बताया कि ये लाभेश धन स्थान में है और मंगल का जो स्वाभाविक गुण है वो फोर्स के साथ काम करता है, इसीलिए मंगल क्या करेगा, और ये संघर्ष स्थान का स्वामी है तो अपने स्वयं से बहुत ताकत लगाएगा, और चंद्रमा यहाँ वचनबद्ध है धन स्थान के फल को सुरक्षित रखने में, तो जब मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो फल बहुत अच्छा मिलेगा, और कौन सा फल मिलेगा, तो धन प्राप्त होगा ये मानना है। हम आप तो साधारण भाषा में कह देते हैं धन स्थान में मंगल नीच का है, शनि की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, ऐसे स्थिति में धन योग की बात कर रहे हैं। जी सर, धन योग की बात कर रहे हैं, आपको आपको भी समझना है। अब यहां क्या होता है कि बोल तो हमने दिया कि यहां शनि की दृष्टि धन स्थान के ऊपर, मंगल नीच का धन स्थान, धन तो होगा नहीं, धन बर्बाद हो जाएगा, आप ये हो जाओगे, तब फिर पंडित जी बताइए क्या उपाय है, तब बड़े उपाय बताए जाते हैं और उपाय कराए जाते हैं, जबकि स्वयं मंगल फल देने के लिए यहां तत्पर है, तो उपाय से धन की प्राप्ति भी ये हम नहीं मानते। धन की प्राप्ति स्वाभाविक आपके भाग्य से हुई, दशाओं के फल से हुई है, हमने आपको बताया ही रिवर्स में है, तो हम ज्योतिष में भूल कर रहे हैं या हमको उपाय के ऊपर ज्यादा विश्वास हो गया है। सबसे पहले तो ये भी समझना है, हमको समझना है, हम उम्मीद करेंगे आप भी समझिए, हम अपने क्लाइंट के साथ धोखा कर सकते हैं, अपने साथ कैसे करें, ज्योतिष के साथ कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि शनि मिश्र फल करेगा, इसको समझा दीजिए, अष्टम स्थान में शनि है, जब आयु की बात होगी तो अच्छा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भाग्येश है, मूल त्रिकोण की राशि भाग्य स्थान में है। अब शनि अपने राशि में हो, उच्च राशि में हो, कोई भी स्थिति बन रहा हो, ये भाग्य स्थान से द्वादश है और लग्न से अष्टम है, इसको कौन नहीं जानता। जब भाग्य स्थान से द्वादश और लग्न से अष्टम होगा तो ये कितना अच्छा फल कर पाएगा, क्योंकि भाग्य की हानि हमेशा द्वादश बताता,
और आपकी हानि हमेशा अष्टम बता रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि भाग्येश होने के बावजूद भी, धनेश के साथ युत होने के बाद भी, लाभेश की दृष्टि प्राप्त होने के बाद भी शनि कैसा फल करेगा? मिश्र फल करेगा, धन का फल नहीं कर पाएगा। बहुत भाग्योदय की बात हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लाभ की बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मंगल और शनि में जो रिलेशन है ये मित्रवत है ही नहीं, और यहां तो दोनों अति शत्रु हो जाते हैं, दृष्टियों में भी दोष है। तो शनि के ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, एक तो स्वयं भाग्य से नीचे उतरा हुआ है, उसका हानि बताने के लिए तैयार है, अष्टम में स्थित है, अष्टम का लाभ बताइए आप, लेकिन धन की बात और भाग्य की बात यहां हम नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि शनि की दशा अंतरदशा में भाग्येश होने के बावजूद भी शनि मिश्र फल करेगा, मिश्रित फल करेगा, और मंगल षष्ठेश और लाभेश बुध का मित्र न होने के बावजूद नीच राशि का स्थित होने के बावजूद भी धन योग बना रहा है। तो यहां जो हमारे मन में संशय था वो तो दूर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन का भी संशय हम दूर करने में सफल रहे होंगे। और भी व्याख्या आप पढ़ते रहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी व्याख्या के ऊपर निर्भर रहिए। और भी बहुत सारे राइटर, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भावार्थ रत्नाकर की व्याख्या की है, वहां भी जाकर के समझने का प्रयास कीजिए। और आपके मन में भी इसके बाद भी कोई संशय है तो हमें आलोचना सुनने और सहने की आदत है, आप कीजिए, उससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमको क्या फायदा होता है ये आप नहीं समझ सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्रम से पाठ को पढ़ रहे होंगे, पाठ पढ़ करके आप प्रसन्न भी हो रहे होंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही होगी, तो हमारे इस विद्या का प्रचार भी आप कर सकते हैं, यही निवेदन है आपसे। कोई भी समस्या हो तो हम तक पहुँचाइए, अपने ज्ञान के अनुरूप हम उसका समाधान करेंगे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।